नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र शिसदकर और आप देख रहे हैं SKH न्यूज चैनल। चितपड़ा गांव बलिया स्थानीय थाना क्षेत्र के पलीग्रा कला गांव स्थित राम नगीना इंटर कॉलेज की कक्षा 10वीं की छात्रा अंशिका यादव पुत्री मनभरन यादव, जिसने उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा दी थी, जिसकी परीक्षा केंद्र मर्चेंट्स इंटर कॉलेज चितपड़ा गांव में रहा। वार्ता के दौरान छात्रा अंशिका यादव ने बताया कि मेरी परीक्षा फल संतोषजनक नहीं आया है, क्योंकि काफ़ी मेहनत कर लिखी थी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि दोबारा मूल्यांकन हो। इसके तत्पश्चात पिता मनभरन यादव ने बताया कि मैंने विगत माह पूर्व 18/5/2018 को निर्देशक माध्यमिक शिक्षा परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद, संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया के साथ ही जिलाधिकारी बलिया को पत्र लिखकर दोबारा मूल्यांकन कराने की मांग की है। इसके बावजूद भी अभी तक नहीं हो सका, जो वास्तव में भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बलिया से संजय राय की रिपोर्ट, SKH। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप भरपूर नंबर ला सकती थी। हाँ। मगर नंबर कम आया। हाँ। तो इसके लिए पुनः जांच कराना चाहती हूँ। हाँ। इससे पहले क्या हुआ, कुछ कार्रवाई हुई कहीं? हाँ, हुई थी। कहाँ कहाँ हुई है कार्रवाई? शासन प्रशासन हर जगह खबर दे दी गई है। हाँ। और आप चाहती हैं कि पुनः जांच हो और नंबर हमारा अधिक आ गए। यदि नंबर पुनः फिर कम हो गया तब क्या करोगे? कम नंबर नहीं होगा, क्योंकि मैंने काफी बहुत अच्छे से लिखा। विश्वास है? हाँ। तो इसकी जांच होनी चाहिए। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मनभरन सिंह यादव। मेरा नाम है मनभरन सिंह यादव, जनपद गाजी। क्या मामला है आपका? मामला है कि मेरी लड़की जो है हाई स्कूल के परीक्षा में उसका नंबर कम आया था। नंबर कम आया है? नंबर कम आया। फिर क्या करना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि पुनः उसकी कापी का मूल्यांकन करा दिया जाए, इसलिए मैंने पहले ही 8/5/2018 में पत्र के माध्यम से लखनऊ निदेशक शासन को भी, माध्यमिक शिक्षा परिषद को भी, अपर सचिव को भी, आजमगढ़ मंडल पर भी, जिला अधिकारी बलिया महोदय को भी, जिला विद्यालय महोदय को भी पहले ही रजिस्ट्री के माध्यम से सबको अवगत करा दिया। अवगत करा दिया। कोई रिजल्ट नहीं मिला? कोई रिजल्ट उसका नहीं मिला। क्या कोई सूचना भी नहीं आई कि हाँ जांच होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, कुछ नहीं आया। मैंने फिर जून में 26 जून को पुनः उसके लिए रिमाइंडर भेजा। अच्छा, उस पर भी अभी तक कोई सूचना। 26 जून को रिमाइंडर देने के बाद भी अभी तक कोई खबर नहीं है? अभी तक कोई खबर नहीं। अब आगे क्या करना चाहते हैं? अब हम यह चाहते हैं कि इसको मीडिया में दें, जब शासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है तो इसके माध्यम से ही शासन को अवगत करा दिया जाए कि मतलब शासन किस हिसाब से काम कर रही है। आपकी सोच बहुत ही अच्छी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।